वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। तो वेल, आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं द ब्लड लाइन के पॉल ह्यूमन के ऊपर अटैक करने को लेकर। भाई ये क्या कर दिया है सोलो सिकोवा ने, बहुत बड़ी बवाल चीज कर दी है, जिसके बाद रोमन रेंस इनको तो जिंदा नहीं छोड़ने वाले, पटक पटक के मारेंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी रोमन रेंस के रिटर्न पर अभी बात कर लेते हैं। आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट में क्या कुछ देखने को मिला, उससे पहले आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कर लिया करो। लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग को मिलती रहती है टाइम टू टाइम। बाकी चलते फिर अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो ओवरऑल सेगमेंट क्या था, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली बात तो स्मैकडाउन काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में स्पेशली स्मैकडाउन था, तो भाई काफ़ी कुछ स्पेशल करना ही था, और वो चीज़ मेन इवेंट में देखने को मिल चुकी है, यादगार बनाया जा चुका है। तो हुआ क्या है एक्चुअली में कि भाई पहले तो पूरी ब्लड लाइन देखने को मिलती है, स्मैकडाउन के रिंग के अंदर आती है। देन इसके बाद एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसमें वो पहले जैकब फाटू को बुलाते हैं, क्योंकि वैसे जैकब फाटू बैक स्टेज में उनको बोला गया था पॉल ह्यूमन की तरफ से कि वो बिल्डिंग में नहीं है, बट वो थे। देन इसके बाद जैकब फाटू जब आते हैं, देन फिर हमें यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होते हुए दिखाई देती है, सबको एक्नॉलेज करने के लिए सोलो सिकोवा बोलते हैं। देन इसके बाद पॉल ह्यूमन को बोलते हैं वो जो लावा पोहा पता नहीं क्या माला है ना, वो पहनवाने के लिए बोलते हैं। वेल, यहाँ पर पॉल ह्यूमन वो नहीं पहनाते हैं, कहते हैं कि यू आर नॉट अ रियल ट्राइबल चीफ, यानी कि तुम उनके ट्राइबल चीफ नहीं हो, ना ही वो रियल ट्राइबल चीफ है। ऐसा कह के भाई यहाँ पर माइक फेंक देते हैं पॉल ह्यूमन। देन इसके बाद जो होना था वो होगा, और वो चीज़ हुआ जहाँ पर भाई पॉल ह्यूमन को सब लोग देख रहे हैं, उस बूढ़े को भाई सब लोग मिल के मार रहे हैं, कितनी दयाकवान बात है। और ऐसे में तुम बोलते हो भाई रोमन रेंस फेस सुपरस्टार नहीं देखने को मिलेगा, अब इतने बूढ़े आदमी को भाई रोमन रेंस के दोस्त को पीट रहे हैं लोग मिलके, तो रोमन रेंस जरूर वो फेस सुपरस्टार ही बन के आएंगे उनकी मदद करने के लिए, कोई गुंडा बवाली तो आएगा नहीं मदद करने। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी भाई, कि पॉल ह्यूमन को जिस तरीके से इन लोगों ने ट्रिपल शील्ड टाइप का बॉम्ब देके पावर बॉम्ब देके उनको पीटा है, फिर इसके बाद भाई ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से देखने को मिली है, इसका बदला इसका हर्जाना तो देना पड़ेगा, और रोमन रेंस इसका पूरा भरपूर बदला लेंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी फिलहाल के टाइम पे ये कुछ सेगमेंट्स देखने को मिले, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे खून मेरा बॉइल करे, लिखनी है कहानी मुझे बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया सौ फेरा दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप।